हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवर्षि भारद्वाज। टुडेज मैथ क्वेश्चन फॉर यू इज, इन द गिवन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, सो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, कहा है कि जो एंगल बी है वो ए से छोटा है, ये एंगल ए से छोटा है एंड सी डी से छोटा है, एंगल जो सी है वो एंगल डी से छोटा है। तो हमको प्रूव करना है कि जो साइड ए डी है, ए डी कौन सी, ये यहाँ से यहाँ तक की, वो कैसी है, स्मॉल है बी सी से, इससे स्मॉल है। देखो कैसे करेंगे, आपको ओरली बता देता हूँ। पहले देखो, जो एंगल छोटा होता है ट्रायंगल में उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। तो अभी चलो एंगल बी और ए की बात हो रही है, एंगल बी और ए इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो बी छोटा है एंगल ए से, ये छोटा है इससे, तो इसके बी के सामने वाली साइड कौन सी होगी, ए ओ, कैसी होगी, छोटी होगी, ए ओ ये छोटी है। मैं देखो छोटी वाली साइड पर टिक लगा देता हूँ, आप बड़ी वाली साइड को, या छोटी वाली साइड पर सिंगल टिक लगा देता हूँ। छोटी वाली साइड पर मैंने सिंगल टिक लगा दिया, ए ओ कैसी है, छोटी है, ठीक है, किससे, बी ओ से, बी ओ से छोटी होगी, इस पर डबल टिक लगा देता हूँ। ये डबल टिक का मतलब है ये साइड बड़ी है इस वाले ट्रायंगल में। ऐसे ही अब बात करते हैं, क्या कहा है, एंगल सी लेस देन एंगल डी, एंगल जो सी है वो स्मॉल है एंगल डी से। तो अब देखो सी डी ओ इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, तो सी के सामने वाली कौन सी साइड है, ओ डी, ये कैसी होगी, स्मॉल होगी, इस पर सिंगल टिक लगा देता हूँ। और एंगल डी के सामने कौन सी साइड है, सी ओ, ये बड़ी होगी, इस पर डबल टिक लगा देता हूँ। अब हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो ए डी है वो स्मॉल है बी सी से। तो देखो ए ओ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए ओ कैसी है, स्मॉल है किससे, ए ओ स्मॉल है बी ओ से, ओके। और जो ओ डी है वो किससे स्मॉल है, ओ डी स्मॉल है ओ सी से, है कि नहीं, इस दोनों ट्रायंगल में अलग अलग हमने बात की। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, तो ए ओ प्लस ओ डी क्या हो गया, ए ओ प्लस ओ डी ये हो गया ए डी, क्या होगा, स्मॉल होगा, इन दोनों का सम भी स्मॉल होगा, जब दोनों ये साइड इससे छोटी है, ये वाली साइड इससे छोटी है, तो इसको दोनों को सम करते हैं, लेफ्ट वालों को, दोनों का सम क्या हो गया, ए डी स्मॉल होगी किससे, बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी मतलब बी सी से। तो यही तो प्रूव करना है, तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा लिखने का मेथड देख लो आप कैसे लिखोगे, बस आपको यही लिखना है कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी वाले ट्रायंगल में एंगल बी और लेस देन है एंगल ए से, तो इसके सामने वाली साइड मतलब ए ओ लेस देन होगी बी ओ से, जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल। ऐसे ही फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल सी लेस देन एंगल डी, तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ओ डी, एंगल सी के सामने साइड है ओ डी, ओ डी के सामने ओ सी, ठीक है ना, ओ डी लेस देन होगी किससे, ओ सी से। तो इक्वेशन सेकंड बन गई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ए ओ प्लस ओ डी इज लेस देन बी ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ डी का मतलब क्या है, ए डी लेस देन है बी ओ प्लस ओ सी मतलब बी सी से, ये प्रूव हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।